पश्चाचान्यान् समधिभवान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरभिषणै स्वात्मैस्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पातु असौ नमस्तुरीय। परमात्मा की प्रतीक है वो परमात्मा की सगुण सकल रूप का भी प्रतीक है, निर्गुण निराकार भी प्रतीक है। जो जिस अवलंब जिस भाव को लेकर के चिंतन करते हैं उसके कदम फल प्राप्त। यही ओंकार के हमारे जीव की मात्रा पाप के साथ मिला हुआ है। ओंकार की मात्रा पाप क्या हो गया? जागृत स्वप्न सुषुप्त। पर इन सभी व्यवहार के अंदर हमारे सभी व्यवहारों के अंदर जो हम मैं करके जो व्यवहार होता है, जो मैं करके व्यवहार होता है, वो व्यवहार पूर्ण मैं का एक प्रतिच्छाया प्रतिबिंब है। वो इसको हम चिदाभास बोलते हैं। अंतिम में आकर के हमारे जो है मानवीय को कार्यकार ये बोल रहे हैं, ये जो आपके अंदर हमेशा अंदर से मैं कुछ स्मरण करता हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ समझता हूँ, ये जानना समझना स्मरण करने के अंदर जो मैं छुपा हुआ वही परमात्मा, वही परमात्मा। जब आप कहते हैं मैं घर को जाना समझ गया मैं घर, तो ये जो ज्ञातता लाती है ना वो ईश्वर साक्षी के कारण है, साक्षी के कारण है। परंतु यहाँ पे क्या है, पहले हमको पाद और मात्रा को एक करके समझाया, परंतु बाद में क्या बोल दिया, ना इसमें पाद है ना इसमें मात्रा है। आत्मस्वरूप में ना कोई पाद है, आत्मा को कल्पित है, और ना ओंकार में कोई मात्रा है, वो भी ओंकार में कल्पित है। समझाने के लिए कहा गया उपासना के माध्यम से अंतकरण हो जाए, फिर ये शुद्ध तत्व समझ में आता है। तो वो शुद्ध तत्व क्या है उसको समझाने के लिए कल ये कर दिए थे, प्रणवम ही ईश्वरम विद्वात सर्वस्व हृदय सुखदी ओंकार, परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है, मतलब हर एक वृत्ति में वो विद्यमान है। हमारे वृत्ति के ऊपर कैसे वृत्ति है, मतलब वृत्ति का प्रकाशक के रूप में विद्यमान है। इस प्रकार सर्वव्यापी नाम ओंकार पूर्ण व्यापक तत्व जो शुद्ध चेतन है, उस प्रकार उसको ठीक से समझ करके अनुभव करके धीरे में सो जाते हैं। बुद्धिमान विवेकी व्यक्ति क्या होता है, वो फिर शोक नहीं करता। यहाँ तक कल हम लोगों ने पढ़ लिए थे, है ना, हम अगला वाला भी श्लोक पढ़ लिए थे। यस, व्हाट दैट मींस ये है, एक परिच्छिन्न आई मतलब अहंकार, वो प्रतिफलित चित्त, और उसी के ऊपर जब आप वृत्ति को देखेंगे, वास्तविक वो प्रतिबिंब है, वो पारमार्थिक वस्तु नहीं है, वो पारमार्थिक वस्तु शुद्ध आई शुद्ध अहम। तो इस चिंतन करते करते क्या होता है कि एक परिच्छिन्न आई व्यापक आई में लय प्राप्त कर जाता है। परिच्छिन्न आई के द्वारा ही पहले हम चिंतन करेंगे। देखो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक में आधा श्लोक में बोला, देवमेवा परे यज्ञ योगिनो पर विपाशते ब्रह्मात्मनो अपरे यज्ञ योगिनी उपजीवति। हम कहते 24 या 25 तो ब्रह्मात्मन है, 25 फोर्थ चैप्टर में 25 श्लोक होगा, है ना। ब्रह्मात्मनो अपरे यज्ञ योगिनी उपजीवति, व्यापकता रूपी आग में अपनी परिच्छिन्नता का आहुति देते हैं। कोई देवताओं के उद्देश्य द्रव्य आदि का आहुति देते हैं पहला लाइन, परंतु कोई कोई ऐसा पुरुष है जो अपनी व्यापकता की आग में अपनी परिच्छिन्नता का आहुति देते हैं। ये पहले हमारा वृत्ति तो परिच्छिन्न में होगा,
परंतु हमारा चिंतन है कि परिच्छिन्न व्यक्ति आभास है परंतु ये पूर्ण है। दैवमेव परे यज्ञ योगिनो पर्युपासते, कुछ कर्म योगी लोग क्या करते हैं कि द्रव्यात्मक यज्ञ देवता को उद्देश्य करते हैं, परंतु ज्ञान योगी लोग क्या करते हैं, ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञ, यज्ञ नहीं उपयोग, यज्ञ शब्द आत्मा को यज्ञ, आत्मा को योग कहा जाए, ब्रह्म की व्यापकता की आपने अपने द्वारा अपने को आहुति देते हैं, आपके द्वारा अपने मतलब अपनी परिच्छिन्नता को अपने यहाँ व्यापकता में आहुति देते हैं, मतलब कभी विचार चलता रहता है मैं परिच्छिन्न नहीं हूँ, मैं आशंकापूर्ण रहता हूँ, प्रत्येक वृत्ति के साथ कुछ घर प्रत्येक वृत्ति के साथ परिच्छिन्न वृत्ति उठ रहा है मैं करके वो परिच्छिन्न वृत्ति को व्यापकता को चिंतन में इतना ही मात्र है। इसलिए वह सत्य अगर आपने बोलते ना सर्वव्यापी नाम ओंकार, पहले तो एक मंत्र क्या है वास्तविक ओंकार जो है सर्वव्यापी असंग व्यापक तत्व है, इसको समझ कर तब धीरे न सोचे धीरे। आप देखिए भगवद गीता संपूर्ण उपनिषद का सार है, शब्दांतर है परंतु विषय वस्तु ही वही अन्य प्रकार से बोलते हैं। ये उत्तम युग जाग है, श्रेयान द्रव्य मयाच ज्ञान युग परम सर्वप्रम तो ज्ञाने परिश्रम नहीं ज्ञान न संतुष्ट संभवित द्रव्यमय यज्ञ से ये ज्ञानात्मक यज्ञ अच्छा है, विचार पूर्वक अपनी परिच्छिन्नता को परिच्छिन्न मृत्यु है हम उसके व्यापक में इससे अंत करो मृत्यु। अब जो है इसलिए अब इसका जो जो व्यापकता है पूर्णता है वो क्या स्थिति है उसको समझाने के लिए जो अंतिम श्लोक आता है 29 ठीक है ना, वही तो होगा आज काल हो गए अच्छा ठीक है उसको पढ़ेंगे। अमात्रो नन्तमात्रस्य द्वैतस्योपशमः ओंकारो विदितो येन समुनिर्मितरो जनः। अमात्रा मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता, मियते अन्या इति मात्रा, इसके द्वारा मापा जाता है परंतु इसको किसी के द्वारा मापा नहीं जा सकता, किसी के द्वारा इसको मापा नहीं जा सकता, इसलिए ये अमात्रा है। मतलब कि इसको अगर मापना चाहते हो तो अनंत मात्रा इसके द्वारा जिसके अनेना इदम शब्द का तृतीय एक वचन इससे ध्यान तो यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं टीकाकार बोलते हैं ओंकारम तुरीय भावम आपन्नम ज प्रतिबन्नम स्थित प्रकार ओंकार ही तुरीय भाव मतलब अकार उकार मकार से पीछे अपने शुद्ध व्यापक था, इस प्रकार से जिसने जान लिया समझ लिया उसकी स्तुति के लिए अगला श्लोक आ रहा है। प्रतिबन्न प्रतिपत्ति का आश्रय बोध का आश्रय आत्मा ही है, मैंने बोध आत्मा संबंधित बोध नहीं होता परंतु बोध का आश्रय साक्षी उसको प्रकाशित करते हैं इसीलिए उसका आश्रय बोला। अब यहाँ पे बोलते हैं कि भाष्य का लिख हाँ अमात्रा को मूल में अभी जतत्व प्रणव प्रतिपत्ति विहीनस्तु ठीक है जनन मरण मात्र भागी, इस प्रकार की प्रणव के बोध से रहित जो व्यक्ति होते हैं ना मतलब क्या है भगवान है या तो भगवत संबंधित एक अस्तित्व बुद्धि जिसके अंदर नहीं है ना उसका किसी भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं, किसी को जन बोलते हैं यथक्त प्रणव प्रतिपत्ति विहीन, इस प्रकार ओंकार की बोध से रहित व्यक्ति बहुत ही समझ आए इस यथक्त मतलब जिस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है प्रणव मतलब ओंकार प्रतिपत्ति मतलब बोध उससे विहीन मतलब रहित, इस प्रकार की व्यक्ति का स्तु वो लोग मतलब जिसका होता है उससे भिन्नता को दिखाने के लिए तू क्या होता है वो लोग केवल मतलब जन्म मरण मात्र भाग पुनरपि जन्म पुनरपि जननी जठरेक्षा में उसमें भोग करते हैं उसके भोग करते हैं जन्म मरण मात्र भागी न पुरुषार्थ भाव भवती अपने पुरुषार्थ को भोग करने वाला परम पुरुषार्थ को आनंद देने वाला ये नहीं हो पाता जब तक भगवान के प्रति अस्तित्व बुद्धि आता है और फिर भगवान के स्वरूप पहले तो अस्तित्व बुद्धि लेकर के परमच्छ को अवलंबन लेकर के चिंता फिर धीरे धीरे भगवान के भगवान्तिक स्वरूप के ये चिंतन करेंगे बोलते हैं कि हम कहाँ तक करेंगे हम अपना जहाँ तक संभव है प्रयास करेंगे। देखो दशम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही बोलते हैं नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञानमेवेन नाशयामि तेषाम एव अनुपम पंथम अहम अज्ञानजम तम नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञानमेवेन नाशयामि दशम अध्याय तेषाम अनुपम पंथम मतलब जो लोग मेरे को बार बार चिंतन करते हैं मेरे को स्मरण करते हैं उसको अनुग्रह करके मैं क्या करता हूँ
नाशयामि आत्मभावस्तु, उनके अंदर बैठ करके स्वरूप भूत होकर के ज्ञानोदीपेन भाष्य, उसका अज्ञान को नाश करता हूँ, ज्ञान की भाष्य उज्ज्वल प्रकाश के द्वारा उसके अंदर को मैं नाश करता हूँ। यही आत्मा इसने बोला हृदय में जो मैं करके स्फुरित हो रहा है वही आत्मा परिच्छिन्न रूप में दिखाई दे, कोई बात नहीं, पर किसी को व्यापकता को चिंतन करिए, अंतर्यामी ईश्वर जब बाकी कमा पाए। इसलिए दो बार दो जगह पहले एक भगवदगीता जी का और हमारे उपनिषद में बोलते हैं यम एव एष वृणुते तेन लभ्य तस्य एष आत्मा विवृणुते तदनुसार, जिसने परमात्मा को वरण करते वरण मतलब तो अपनाते यम एव एष वृणुते, इसका उल्टा भी है, परमात्मा जिस साधक को वरण करते दोनों प्रकार से अर्थ देगा उसके सामने क्या होता है परमात्मा अपना सारा आवरण को हटा देता। इसीलिए ना आप हम जहाँ तक प्रयास हम तो करेंगे परंतु अंतिम पड़ाव तो भगवान ने खींच उठाएगा, भगवान ने खींच उठाएगा, ये नहीं सोचना कि हाँ कभी ऐसा लगेगा दुख होगा कहा इतना कोशिश कर रहा हूँ हताशा भी आएगा, ठीक है वो ऑल दिस ऑल द पॉजिटिव साइंस, मतलब ये ठीक है हमारे जीवन हताशा रहता है ये अच्छा है क्योंकि विषाद जोक से शुरू होता है, हताशा आएगा बीता विषाद आएगा हाय कुछ नहीं हुआ क्या करूँ, वही जो हम भगवान से जुड़ने के रास्ते है ना, इसीलिए आप बोलते हैं अमात्र परंतु वास्तविक रूप से स्थिति क्या है उसको मापा नहीं जा सकता। जो व्यक्ति इस प्रकार ईश्वर का अवलंबन नहीं करते वो केवल जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहता है, किसी प्रकार के पुरुषार्थ की उसके लिए साधन करना जनन मरण क्या लिखा है जन्म तो हम बोलते हैं जनन प्रातिपदिक का जन्म बन जाते हैं तो जनन जन धातु है जन धातु में लुट प्रत्यय हुआ जनन जैसे गमन गम धातु से लुट प्रत्यय गमन धातु यहाँ पे जा धातु का जन आदेश भी आते हैं जिससे गायनोकोलॉजी बोलते हैं हमको लगे इसी संस्कृति से है जन सब जगह पे जन इसी को जन्म संबंधित विद्या को बोलते हैं ये जनन मरण मात्र भागी न पुरुषार्थ भाग मतलब जन्म मृत्यु के ही भागीदार होते हैं और हम पुरुषार्थ को सिद्ध करना संभव नहीं है क्यों विद्या रहितम इस प्रकार से जो विद्या रहित व्यक्ति है उसको निंदा करने के लिए वहाँ पे बोला सब न इतर जन मतलब जो लोग भगवान को मान्यता नहीं देते आस्तिक को बुद्धि वर्ग नहीं होते वो जो है उसका जन्म मृत्यु के बंधन छूटता ही नहीं है इसलिए निंदा होता है उसका मतलब जो भगवान की स्मरण में नहीं जाता भगवान चिंतन नहीं करते हैं वो जन्म मृत्यु को संसार हमारे दृष्टि से ही शास्त्र दृष्टि से निंदा नहीं है भगवान ने शास्त्र क्यों अब हमने बोला ना एक लौकिक दृष्टि है एक शास्त्रीय दृष्टि है लौकिक दृष्टि से हो सकता है पढ़ाई लिखाई करके बड़ा वधन पठन क्या लोग उसको परंतु शास्त्र दृष्टि से बोलेगा ये क्या मूर्ख होता है कितना सामर्थ्यता व्यक्ति में अगर इस सामर्थ्य को इस पुरुषकाल के यदि भगवत दिशा में लगाता था कितना अच्छा हो सकता शास्त्री दृष्टि यही इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि जायते हो जाता है आदेश होता है आदेश नहीं एक सूत्र है ज्ञा जनेर जा ज्ञा धातु को और जन धातु को जा आदेश होता है फोर्थ कॉन्फिगरेशन में होता है तो यहाँ आता है जायते बनते हैं अरे यहाँ पे तो ये लुट प्रत्यय हुआ ना यहाँ पे जैसे गम धातु है गम धातु पैसिव होता है परंतु गमनम यह तो जब यह का कब लगेगा केवल मतलब सार्व धातु में लगेगा मतलब लट लुट लंग विधनिक यहाँ पे यह बार आएगा अर्धातु में नहीं आएगा अर्धातु प्रत्यय में नहीं आता है इसीलिए यहाँ पे जनन मरण मात्र भागी न पुरुषार्थ भाग भगवती नियमित अब जो है तो भाष्य टीकाकार भाष्यकार बिल्कुल गल पाद विभाग से मात्रा विभाग से च अभावात ओंकार स्तुरीय सन अमात्र भवती इति आह ये देखिए हाँ ये सन और उसके बाद हमने क्या पढ़ा उसको सन न माना है अमात्र देखिए आपने पढ़ा गमु नित्यम है इधर जो नकार है पदांत में नकार है सर नॉमिनेटिव से बोला आगे ये ह्रस्व आकार है सकार में ह्रस्व आकार है पदांत में नकार है और आगे आपका अ है तो क्या होता है दीप्त हो जाता है पाद विभाग से मतलब पाद विभाग किया था जागृत स्वप्न सुषुप्ति
मात्रा विभाग साकार उकार का दोनों का जब अभाव दोनों का विचार करते करते दोनों का ये आत्मा में शुद्ध आत्मा में कल्पना मात्र नहीं है अभाव जो ओंकार ओंकार अपनी तीर मात्रा मात्र से परे वो सब अर्वार्थिक स्वरूप होते हुए अमात्र इट बिकम बियॉन्ड ऑल मेजर इट बिकम्स बियॉन्ड ऑल थॉट्स है ना सबके पीछे ऊपर हो जाते हैं इसी कारण भगवान नाथ का बोलते हैं अमात्र लेकिन पहले भी अमात्रा है दूसरे में भी अमात्रा है ना टीका में पहला अमात्रा श्लोक का प्रतीक है दूसरा मात्रा भाष्य का प्रतीक समझ में आ रहा है कन्फ्यूज नहीं होना ओंकार तुरीय भावम आपन्न ज प्रतिपन्न तम स्तौति यहाँ पे भी अमात्र प्रतीक है ये अमात्र आपका मूल का मतलब श्लोक का है कार्य का श्लोक और द्वितीय में जब पाद विभाग से मात्रा विभाग से अभावात ओंकार स्तुरीय सन अमात्र भवती इति आह अमात्र इति भाष्य ठीक है भाष्य अमात्र स्तुरीय ओंकार है ना तुरीय जो ओंकार है वो मात्रा रहित है मात्रा रहित है तुरीय ओंकार अमात्र ओंकार की जो चतुर्थ स्थिति है मतलब जो पाद और मात्रा से ऊपर है वो क्या होता है मात्रा से रहित है वो मात्रा से रहित है मात्रा क्या वस्तु होता है तो बोलते हैं मियते अनया इति मात्रा मियते अनया स्त्रीलिंग मात्रा स्त्रीलिंग है इसका स्त्रीलिंग अनय न होता तो पुलिंग होता और मात्रा स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पे अनया एक मात्रा नियते नहीं मियते मियते अनया इति मात्रा मापा जाता है मापा जाता है माँ धातु को वहाँ पे जो है पैसे में आते से गा को दीयते स्था को स्त्रीयते माँ को मीयते गा को गीयते पा को पीयते भू भू माँ स्था गा पा जहाँ दिशा ऐसे कुछ तो मीयते अनया इति मात्रा मतलब इसके द्वारा मापा जाता है जिसके द्वारा मापा जाता है उसको मात्रा कहते हैं मतलब क्या हो गया मात्रा मतलब क्या हो गया परिच्छेद चाहे देश के द्वारा इतना देश में है मतलब मेकिंग लिमिटेड विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेस इसी प्रकार वस्तु इसी प्रकार काल इतना समय का देश परंतु ये ओंकार में ना देश परिच्छिन्नता है ना वस्तु परिच्छिन्नता काल परिच्छिन्न मापा नहीं जा पर ब्रह्म को मापा नहीं जा सकता मात्रा मतलब परिच्छिति देखो मात्रा मतलब क्या हो गया परिच्छिन्न बना उसके बाद आया अनंत मात्रा यदि आप इसको मापना चाहते हैं तो आपको किसको सहारा लेना पड़ेगा इन्फिनिटी अनंतता से ही उसको समझाया जा सकता है इसलिए बोलते हैं स अनंता इस प्रकार मापने का इंस्ट्रूमेंट अनंत है जिसका जिसको मतलब बोला नहीं जा सकता जस से जिसका परिचिति सा परिच मात्रा अनंता जस ये मात्रा अनंत है जिसका सो अनंत मात्रा अनंत मात्र ठीक है ना अनंत मात्र हो जाता है जो जिसको किसी भी प्रकार से मापा नहीं जा सकता है वो समस्त मात्रा से रहित है अनंत मात्र मतलब क्या हो गया न एतावत्तमस्य परिच्छित वो ऐसा है वो इतना है अथवा इस देश में है अथवा इस काल में है इस प्रकार से उसको नहीं कहा जा सकता एतावत्तमस्य ये इतना ही मात्र है इस प्रकार परिच्छित न शक्यते एतावत्त मतलब इतना मात्र अस इसको ये इतना स्थान में है शरीर इस स्थान में है वहाँ पे नहीं है इस काल में है उस काल में नहीं है है ना इस प्रकार इस कुर्सी का ऊपर है कुर्सी यहाँ पे वहाँ पे शरीर नहीं है कुर्सी के ऊपर है इस प्रकार देश काल वस्तु के द्वारा वस्तु को मापा जाता है परंतु इस आत्मा को ऐसा मापा नहीं जा सकता एतावत्तम अस एतावत्तम परिच्छित न शक्यते वो इतना है इस काल में नहीं है अथवा इस स्थान में है इस स्थान में नहीं है इस वस्तु में इस वस्तु में नहीं है इस प्रकार से उसको मापा नहीं जा सकता ये हो गया परिच्छित नौ शब्द है नैतावता नौ पहले है ना नैतावत्तम अस नौ का वहाँ चला जाएगा नौ क्रियापद के सतन परंतु क्या हो जाएगा जब आप किसी के द्वारा उसको जब किसी को मापने के लिए आपने के इतना मापने के लिए एक स्केल लाया ठीक है ना तो ये माप जिसको मापा जा रहा है वो एक वस्तु हो गया और मापने योग्य जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका मिल जाए वो एक अलग वस्तु हो गया आप इसको मापा नहीं जा सकते मतलब क्या हो गया वो दूसरा कोई वस्तु है दूसरा कोई द्वैत प्रपंच है नहीं
द्वैत के अभाव को यहाँ पे अभिव्यक्त करने के लिए बोलते हैं सर्वद्वैत उपशमत्वात्, समस्त द्वैत प्रपंच उसी के अंदर लय हो जाने के कारण, बाधित हो जाने के कारण एवं शिव, इसीलिए भेद रहित ही सबसे कल्याण, यही सबसे कल्याणकारी, सर्वद्वैत उपशमत्वाद एवं शिव ही सबसे कल्याणकारी। इसके ऊपर देखिए टीकाकार क्या बोलते हैं, ननु कथम अनंता परिच्छित्ति ओंकारस्य तुरीयस्य उच्चरे। शंका करने वाले बोलते हैं ओंकार अनंत परिच्छिन्न वाला, ये कैसे बोलते हैं अनंत परिच्छिन्न, कैसे बोला जाता है परिच्छित्ति ओंकारस्य तुरीयस्य उच्चरे। अच्छा बताइए, एक जैसे ये मैट है, ठीक है ना, इस मैट के ऊपर किसका किसका अभाव है, जो जो है वो छोड़ के बाकी सब का, तो है की मात्रा कम अभाव की मात्रा अधिक, और वो अभाव यदि कोई वस्तु होता तो उस मैट को कभी आप उठ के झाड़ सकते कि नहीं सकते, साफ कर सकते कि नहीं कर सकते, मतलब वो है ही नहीं, जो वस्तु नहीं है अनंत वस्तु के इसके ऊपर आपने कल्पना कर लो और उसके द्वारा उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। एक कपड़ा रखा आपने, कपड़ा में केवल मतलब पटत्व को छोड़ करके सारा वस्तु का अभाव, और इस अभाव से यदि उस वस्तु में कुछ भी परिवर्तन अथवा कोई भार उसमें आया होता, मान लो एक का मतलब माइक्रो में भी यदि मान लीजिए अनंत वस्तु के अभाव में कितना वजन हो जाएगा, उसको कभी आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि इसी प्रकार से ऐसा ही हमारे शुद्ध चैतन्य अनुभव तत्व है, उसके ऊपर चाहे चतुर्थ भुवन के ब्रह्मांड की कल्पना कर लो, यदि वो पारमार्थिक हुई होती तब तो उसके द्वारा कुछ नहीं होती है, नहीं कुछ बात अभाव है तो क्या फर्क पड़ेगा उसका, क्या फर्क है, जन्म तो हुआ ही नहीं, इस चीज का प्रमाण मिल देंगे क्या, क्या यही तो बोल रहे हैं, चौथा तो आदेश नेति ने तो यही को प्रमाण करते हैं आपके ऊपर अधिष्ठान के ऊपर मूर्तामूर्त ब्राह्मण प्रकृति अधिकरण ब्रह्मसूत्र में देख लेना तृतीय अध्याय द्वितीय पद प्रकृति एतावत्त अधिकरण, हाँ तो वहाँ पे देख लेना, बस इतना ही मात्र प्रकृति है, अधिष्ठान ही मात्र है, उसके ऊपर सारा कल्पित है, उस कल्पना से इस चीज को यदि मन में बैठा लेंगे तो आप देखना आप जगत व्यवहार में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों हमने बोला ना एक कपड़े के ऊपर आपका कपड़ा पटत्व को छोड़ करके सारा का, और उस अभाव के लिए कोई वास्तविक वस्तु हुई होती तब उसके ऊपर कितना बोझ होता, परंतु वास्तविक वहाँ पर तो कल्पना ही मात्र है, कितना वस्तु का हमने कल्पना करना, चतुर्दश भुवन लोक लोगे कितना भी कल्पना करनी, अधिष्ठान आत्मा उतना ही बिल्कुल असत वस्तु रहेगी वहाँ, असत कैसे पूर्ण होगा, नहीं मतलब पूरा असत नहीं है ये जो अभाव वस्तु जो हमारी कल्पना, मैं बोलना कि असत और जो है मिथ्या दोनों में भिन्नता है, इस चीज को समझना है, यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया, असत मतलब जिस वस्तु की प्रतीति कभी नहीं हुई, परंतु मिथ्या मतलब क्या, प्रतीति तो हो गई, प्रतीति हमको क्या लगा, इस पट के अधिष्ठान है, हाँ इस पट के ऊपर इतना आकाश है फिर दीवार है, सारा चीज इसके ऊपर दिखाई ज्ञान के बाद ही मिथ्या है, नहीं मतलब जिस काल में हमें ज्ञान हो रहा है उस समय भी वस्तु वहाँ पे नहीं है, वो तो हम स्वयं निश्चय कर इसी को लॉजिकली समझाएंगे, अभी तक तो श्रुति का था कि समझाएं लॉजिकली समझाएंगे, अब इस आपने बोला ना कि जिस विषय में कोई श्रुति है इस विषय में यही श्रुति है ना, अंत प्रज्ञा भविष्य प्रज्ञा उभयत्र प्रज्ञा प्रज्ञान घटना प्राज्ञ, मैं क्या बोला कि ये पूरी जो सामान्य सातवां कंडी का यहाँ पे मंत्र आया हुआ है वो इसी का मिथ्या तो से इसी से तो मान रूप कारिगर वही तत्व प्रश्न वही उसका बीज है कि जो वस्तु जहाँ पे दिखाई दे रहा है उसी वस्तु को श्रुति वहाँ भी वहीं पर निषेध करती है, तो जो वस्तु जहाँ पे दिखाई दे रहा है यदि उसी को वहाँ पे निषेध हो जाता है उस वस्तु का मिथ्या, असत वस्तु मतलब जिसकी प्रतीति नहीं होती, बंधा पुत्र आकाश कुसुम सशत श्रृंग, एक बड़ा सुंदर श्लोक है भगवान भाष्य का तैतृय उपनिषद में लिखा है, मृगो तृष्णाम भसी स्नात हम पुष्प कृत शेखर एशो बंधा सुतो जाति सशत श्रृंग धनुधर, मृग तृष्णाम भसी स्नात मरीचिका के पानी में नहा करके आपको नहाए वहां है ना, खम पुष्प प्रकृत शेखर आकाश कुसुम की तरह सुंदर एक मुकुट धारण किया हुआ है, खम पुष्प प्रकृत ये शो बंधा शु, देखो ये जो बंधा का पुत्र जा रहा है, आपको मन में वृत्ति उठेगा कि कोई जा रहा है सामने, क्योंकि हमें पुत्र जाने का बंधा पुत्र ध्यान नहीं देंगे, उसी व्यक्ति का जाने का मन में बैठा हुआ है, ये शो बंधा शु को जाए
कैसे सशस्विंग धनुर्धर, खरगोश के सिंह का तरह बना है और धनुष को हाथ में लेकर के जा रहा है। सारा चीज जो है कुछ भी नहीं है, बंद हमारे मन में देखिए कुछ कैसा ये सब अशोक का उदाहरण है, सारा अशोक ये जो सप्तम कहने अनंत ब्रह्म को सपना के सब भगवान भाष्य कर सो तैत उपनिषद भाष्य में श्लोक अपने आप में ये उनका ही श्लोक है, ये उपनिषद का श्लोक नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कथम अनंत परिच्छित्ति ओंकार, ये अनंत के द्वारा परिच्छिन्न कैसे हो जाएगा ओंकार तुरी कैसे कहा जा रहा है इसको अनंत अमात्रा अनंत मात्रा अनंत तो परिच्छिन्न नहीं हो सकते नहीं तत्व तो परिच्छित्ति रेव अस्थि वहाँ पे तो कोई परिच्छिन्न है नहीं बोलते ठीक बोला आपने अस्थिति आशंक एतावत्तम अस्य परिच्छिन्न तो न सकते वो इतना के द्वारा परिच्छिन्न है इस प्रकार से कभी भी नहीं कहा जा सकता कभी भी परिच्छिन्न नहीं होता ना वस्तु से ना देश से ना काल से किसी से भी परिच्छिन्न नहीं होता। फिर टीका में आ जाइए अनर्थ आत्मक दलित संस्पर्श अभाव अप्रतिबंधेन परमानंद तस्मिन आविर्भवती इति अभिप्रेत बीच बीच में ना इंसेंटिव देता है। अब क्या ढूंढ रहे आनंद ढूंढ रहे है ना तो आप क्या होगा इस प्रकार साधन जीवन के शुरू में तो बहुत कठिन लगता है दुखी होता है हताश होता है कुछ नहीं करता पर एक समय ऐसा हो अनर्थ आत्मक द्वैत संस्पर्श अभाव दिस में ये अनर्थ आत्मक जो भेद बुद्धि वो ये जितना धीरे धीरे कम होता जाए इसका संस्पर्श कम होता है अनर्थ मतलब जो आपका दुख के लिए तो है अनर्थ क्या कारण है मतलब जो अर्थ नहीं है जो आपका अभिष्ट नहीं है अनर्थ मतलब एडवर्सिटी ये बोलते हैं अनर्थ आत्मक द्वैत संस्पर्श ये समस्त दुख के लिए कारण जो होता है द्वैत प्रपंच उसके साथ संस्पर्श से रहित होने के कारण उसके साथ संस्पर्श से रहित होने के कारण अप्रतिबंधेन अब जो है ऐसे धीरे धीरे क्या हो जाएगा इस समय क्या होता है विषय के साथ बाहरी वस्तु के साथ मन रहने के कारण जैसे विषय हट जाता है मन से जाता है तो अब मन दुखी हो जाता है परंतु धीरे धीरे क्या हो जाएगा बाहरी वस्तु से मन को उठा करके ओंकार रूप अपने स्वरूप में मन को धीरे धीरे ब्रह्म का वृत्ति धीरे धीरे मन स्थिर हो जाएगा ब्रह्म का वृत्ति तब क्या हो जाएगा धीरे धीरे अंदर के आनंद को ये देखो हम बोलते हैं अनर्थ आत्मक द्वैत संस्पर्श अभाव द्वैत भेद बुद्धि आपका दुख के लिए हेतु बनता है जैसे धीरे धीरे एकत्व बुद्धि आता जाएगा अप्रतिबंधेन विदाउट एनी इंटरप्शन अप्रतिबंध मतलब कोई बीच में कोई प्रतिबंध नहीं आएगा एक आनंद की धारा मतलब एक क्या बोलेगा ऐसी आनंद की अनंत धारा अपना अंदर प्रत्येक के अंदर रहेगा ऐसी ईश्वर संबंधित जो आनंद है उसकी धारा सभी के अंदर अनंत काल से बहता है परंतु हम क्या है उसको पकड़ नहीं पाते हम उसी धारा का बाहरी जो रिफ्लेक्ट होता है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं इसीलिए कश्चित धीरा प्रत्येक आवृत्त चक्षु जैसे जैसे मन अंतर्मुखी होता है वो धारा को समझ पाते इसलिए होता है ये अनर्थ आत्मक द्वैत संस्पर्श अभाव अप्रतिबंधी ना वो धारा एक बार जब छंदोपनिषद के आया था ना दृष्टम सुशब्दी उपासित अंतर बंद करके अंदर की आवाज़ सुनो वो यदि एक बार आपको सुनने लग जाए तो फिर अप्रतिबंधी ना हाथ नहीं लगा कि हुए भी आपको अंदर की आवाज़ आनंद सुनो गायत्री ब्राह्मण के हाँ अप्रतिबंधी ना पढ़ने के उपासना उपनिषदों में जैसा उपासना वो कहा गया है आजकल हम वो उपासना भूल रहे हैं आप पौराणिक उपासना करते हैं वैदिक उपासना नहीं करते परंतु परिच्छिन्नता मिलेगी किंतु आप देखो प्रत्येक उपनिषदों में जो वैदिक उपासना कहा गया आपको इस परिच्छिन्न को तोड़ने के लिए रास्ता दिखा रहे सारा उपनिषद इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि अप्रतिबंधेन परमानंदत्वम तस्मिन उस साधक के अंदर आविर्भवति हाँ देखो भूत आप भू सत्तायाम आवी जो है ना आविश वो है आपका एक एडवर्ब आविश है ना प्रकाश आवीर वीर्म एधि आविश मतलब प्रकाश स्वरूप वो प्रकाश स्वरूप आनंदमय प्रकाश अभिव्यक्त हो जाता है भू सत्तायाम विद्यमान है अभिव्यक्त इसलिए हम बोलते हैं कि तस्मिन आविर्भूत इसमें वो साधक जिस साधक को जिस काल में यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मैवा हो जिस साधक में अथवा जिस काल में साधक के अंदर ये भेद बुद्धि मिल जाते हैं उसका अंदर ऐश्वर्य आनंद के अफुरंत थाना अंदर सभी समाप्त नहीं देता अभिप्रेत उसी को मन में रखते बोलते हैं
देखिए भाष्यकार की छोटा सा पंक्ति, सर्वद्वैतो उपशमत्वात् एव शिवः, मतलब ये भारी अनर्थात्मक जो द्वैत प्रपंच है उसके साथ मानसिक संस्पर्श आपका जुड़ता जा रहा है, जितना जितना बाहरी द्वैत प्रपंच के साथ मानसिक संस्पर्श जुड़ता जाएगा तो आपको मन कहाँ जाएगा, मन तो किसी ना किसी आलम्बन के बिना रहेगा नहीं, अपने स्वरूप का आश्रय कर उस स्वरूप के जो ऐश्य आनंद की अनंत धारा है वो उसके अंदर अभिव्यक्ति वही शिव है, वही शिव का शिव। अब क्या हो जाएगा कि जीवत्व हट करके शिवत्व कर, फिर आगे भाष्यकार बोलते हैं यथा ओंकार यथा व्याख्यात विदित जीना, ओंकार को जिस प्रकार से यहाँ पर व्याख्यान किया गया है अकार उकार नकार हमारी बात के साथ एक ऊपर के चिंतन के फलस्वरूप जब मात्र रहित हो जाता है, इस प्रकार से व्याख्यान यहाँ पे किया गया है ओंकार तथा जैसे यहाँ पे व्याख्या किया गया है विदित जीना को जिसके द्वारा जान लिया गया, इस प्रकार ओंकार को जिसने अनुभव कर लिया सब परमार्थ तत्व सब मनना, वो कैसे ऐसा मना क्योंकि वो परम तत्व का मनन करते हैं, परमार्थ तत्व परम पुरुषत्व तो सिद्ध करने के लिए जो तत्व है उसकी मनन से, उसकी मनन से पहले इसलिए होता है सब परमार्थ तत्व मनना मुनि मुनि मन है ना, उसी को देखिए टीका का दिखे हैं इस पंक्ति के ऊपर जथा व्याख्यात भाष्य है ना ओंकार जथा व्याख्यात उसका अर्थ लिख रहा हूँ व्याख्यात पूर्वाधेन उक्त विशेषण मानित पूर्वार्थ मतलब क्या होगा अमात्रनंत मात्र दैत सुख आदम आ गया पूर्वाधेन उक्त विशेषण मान इस प्रकार विशेषण वाला है और ओंकार इति अर्थ धनु जल्दी देखिए शंका उठा लें, देखिए आप वेदांत केवल ज्ञान 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 बोलते हैं परंतु और भी तो साधन है और भी तो उपासक है, क्या वो मुक्त नहीं तो मुक्त नहीं, शास्त्र जानते शास्त्र आचरण करते हैं तब यहाँ पे बोलते हैं यथक्त प्रणव परिज्ञान रही तस्वीर ठीक है, इस प्रकार प्रणव तब परमात्मा को चिंतन नहीं करने पर भी शास्त्र परिज्ञान बत्वा शास्त्र संबंधित ज्ञान है उनका, शास्त्र ज्ञान वाला होने के कारण शास्त्र परि मतलब हर प्रकार के शास्त्र के ज्ञान वाला होने के कारण परिणाम न जन्म उपलक्षित संसार भावते न पुरुषार्थ असिद्ध, उसके जन्म के द्वारा उपलक्षित जो संसरण है ना उसकी भागीदार नहीं होने के कारण पुरुषार्थ न असिद्ध, उसका पुरुषार्थ असिद्ध नहीं होगा ऐसी बात नहीं, पुरुषार्थ उसका भी सिद्ध हो जाएगा, पुरुषार्थ न असिद्धि मतलब क्या जाएगा न असिद्धि सिद्धि उसका भी पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा, यदि हम ऐसा कहते हैं नमो यथक्त प्रणव परिज्ञान भी देखिए प्रणव शब्द प्रयोग प्रणव ईश्वर ईश्वर तत्व के ज्ञान नहीं हो उसे होते हैं परिज्ञान भी तस्वीर शास्त्र परिज्ञान भक्त तो क्या हो गया शास्त्रीय ज्ञान है कर्म कांड के ज्ञान है इसके ज्ञान है ईश्वर तत्व स्वरूप ज्ञान है फल तो क्या हो गया और पुष्प भी बोल रहे हैं न जन्म न अलग कर देना न असिद्धि के साथ जन्म उपलक्षित संसार भाव जन्म के द्वारा उपलक्षित संसार भाव जिन्हें पुरुषार्थ असिद्ध जैसे पुरुषार्थ सिद्धि नहीं देता न भव पुरुषार्थ सिद्धि उसका भी होता है ऐसा कोई शंका करे तो बोलते हैं नहीं भव शास्त्र ने ऐसा नहीं यदि जिस पुरुष मई भव लिखा है मई भव माई मई भव है मई भव माँ माँ एवं ये बात नहीं है मई भव ऐसी बात नहीं है ठीक है वो परम पुरुषार्थ सिद्ध नहीं परम पुरुषार्थ सिद्ध नहीं इसलिए बोलते हैं शास्त्र विदो अपि शास्त्र ज्ञान होने पर भी तत्व ज्ञान अभावे तत्व मतलब ईश्वर की जो स्वरूप है तत्व उस ज्ञान का अभाव होने के कारण अभावी मुख्य पुरुषार्थ असिद्ध मुख्य जो पुरुषार्थ है धर्मार्थ का पुरुषार्थ हो सकता है सिद्ध हो जाए परंतु परम पुरुषार्थ जो मुक्ति वो सिद्ध नहीं ये देखिए मतलब खंडन नहीं किया कि शास्त्र ज्ञान का मूल्य नहीं है मैं नहीं कहते शास्त्र ज्ञान का मूल्य है और तो उसका जहाँ तक लिमिटेशन वहाँ तक से है इस प्रकार हमारा छांद को उपनिषद में सप्तम अध्याय में भूमा विद्या को समझाने के लिए नारद को क्या बोलते हैं समझ कुमार कि जहाँ तक शब्दों की गति है वहाँ तक तुम्हारी गति होगी शब्द मात्र में तक मैं छोटा चौड़ा सौ चौसठ कला विद्या का ज्ञाता हूँ शब्द मात्र में तक तो क्या होगा जहाँ तक शब्दों की गति है वहाँ तक तुम जा सको इस सारी उम्र में इसी प्रकार मन की गति बुद्धि की गति इस प्रकार दिखाते दिखाते फिर अब तुमने आत्मस्वरूप घुमा इसलिए होता है शास्त्र विद्योग
तत्त्व ज्ञान अभावे मुख्य पुरुषार्थ असिद्धि, आपके पुरुष असिद्धि भी आते असिद्धे है ना, ब्रैकेट मतलब सिद्ध नहीं होने के कारण असिद्धे जब हो गया पंच में और असिद्धि अशुद्ध नहीं होता इति अभिप्रेत्य उसको मन में रखते हुए आह देखो भाई वो लोग ठीक है परम पुरुषार्थ सिद्ध करने में बीते ज्ञानात न बीते ज्ञान तमेव विदित कि मृत्यु में इतिमान लोग जान कर की भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ज्ञात्वा मोक्ष से शुभा महाराज चार जो है धर्म अर्थ काम उसके बाद जो मुख्य यही परमार्थ है या वो अलग ना ना यही परमार्थ भी होते हैं अब मोक्ष के विषय में कंसेप्ट अलग अलग वादियों का अलग अलग है किसने जैसा मुक्ति माना किसी ने सर्व तक मुक्ति माना किसी ने ब्रह्मलोक तक मुक्ति माना किसी को ईश्वर लोक तक शिव लोक तक मुक्ति शिव भक्त करिए अलग अलग करके अपना कंसेप्ट है परंतु वेदांत एक कंसेप्ट है ज्ञान के द्वारा जीवन के अनुभव से विधेय भी करना वो मुक्ति पाना शास्त्र में जो अभी तत्व ज्ञान अभाव मुख्य पुरुषार्थ असिद्धि दे न इतर जन शास्त्र विदो अपि भाष्यकार लिख रहे हैं अन्य लोग शास्त्र तो जाना परंतु आत्मज्ञान नहीं परम पुरुषार्थ सिद्धि देखिए भगवान भाष्यकार विवेचन शुरू में ही सावधान कर दिया श्लोक तो अभिज्ञाते परित्यक्ते शास्त्राधिष्ठ निष्फल विज्ञाते भी परित्यक्ते शास्त्राधिष्ठ निष्फल देखिए जिसने इतना शास्त्र लिखा जितने इतना शास्त्रों के वर्णन करते हैं स्वयं आपने यहाँ शास्त्रों की लिमिटेशन को आपने यहाँ भी कहेंगे और शास्त्र को अभिप्रेत इतना ही मात्र है इतना ही नहीं ये दस श्लोक में कल बोल रहा था दस श्लोक में लिखते हैं ना शास्त्र ना शास्त्र ना शिष्य ना शिक्षा न चत्व नवाह नव अयम प्रपंच स्वरूपाव बोधे विकल्प सहिष्णु तदेक अवशिष्ट शिवादे ये शास्त्र शास्त्र पढ़ाने वाला शिष्य शिक्षा मेथड कब स्वरूप अवबोध जब हमारा स्वरूप का अवबोध हो जाता है तब इस चीज का कोई स्थान नहीं है न शास्त्र न शास्त्र न शिष्य न शिक्षा न जब तुम नवा हो मैं पढ़ाने वाला पढ़ने वाला दोनों भेद नहीं है गुरु शिष्य भेद नहीं है कब स्वरूप अवबोध विकल्प और शिष्य एक बार स्वरूप का बोध हो जाता है तो किसी प्रकार विकल्प को सहन नहीं करता तब एक अवशिष्ट शिव के बल बस यही जो सबके नीचे अधिष्ठान विद्यमान यही मेरा बस दस श्लोक के द्वारा इसको लिखा इसीलिए आप बोलते हैं कि न इतर जन शास्त्र भी लोग आप इतर मतलब इससे भिन्न इससे भिन्न ठीक है हाँ मानो अच्छे से अन्न अच्छे से अन्न अन्न अर्थ ही है परंतु आपका अभिप्रेत अति हो जाता है अच्छा नहीं अच्छे से भिन्न जाने इतर 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 जैसे बोलते हैं सब तदेव प्रणव द्वारे नहीं तदेव प्रणव द्वारे निरुपाधिक आत्मान अनुसंधान से पुरुषार्थ परिसमाप्ति न इतरेशम बहिर्मुखाना स्थित इससे आनंद गिरी बोला देखिए इतरेशम मतलब शास्त्रविद का कुछ नहीं है बहिर्मुखान जब तक बहिर्मुखत्व रहेगा तब तक पुरुषार्थ शुद्ध नहीं इसलिए बोलते हैं तत् एवं उसी वही वही एवं उसी उसी के द्वारा ही क्या क्या द्वारा है प्रणव द्वारे प्रणव को अवलंबन बना करके और अवलंबन बना करके इसको सोचना है निरुपाधिकम आत्मा जो निरुपाधिक स्वरूप है मेरा तब जो मात्रा वाला पहले शुरू करेंगे मात्रा पात्र मेरा अल्टीमेटली पहुँचना चाहता है निरुपाधिक अमात्र में आने निरुपाधिक आत्मानु अनुसंधान से रिसर्च अनुसंधान मतलब रिसर्च रिसर्च ये हमारे वेदांत पठन पाठन एक रिसर्च है मतलब मैं वास्तविक मैं कौन हूँ इसी का अनुसंधान तब आपका रिजल्ट निकलेगा भगवान इसका सर्टिफिकेट भगवान सर्टिफिकेट क्या देंगे बस तो इसका सर्टिफिकेट क्या ये तदेव प्रणव द्वारे न निरुपाधिक आत्मान अनुसंधान से अनुसंधान करने वाले व्यक्ति का क्या होता है पुरुषार्थ परिसमाप्ति है ना समस्त पुरुषार्थ पुरुषार्थ का ऊपर एक टिप्पणी टिप्पणी पुरुषार्थ के ऊपर है ना पुरुषार्थ के ऊपर नहीं है वो परिसमाप्ति के ऊपर परिसमाप्ति के ऊपर परि मतलब सामंत्या सामग्री टोटली चारों तरफ से जो भी कुछ हमारे दिल से सारा पूर्ति हो जाएगा इसलिए होता है परि मतलब समानता चारों तरफ समग्र सामग्र मतलब पूर्णता की भाव से संबंध संशय विपर्याया राहित्य
मतलब संभव रूप से संशय ज्ञान नहीं रहेगा, विपरीत ज्ञान नहीं होगा, बिल्कुल बस यही है मेरा स्वरूप है, इस प्रकार निश्चय रहता है। इस प्रकार की आपकी मतलब प्राप्ति परिसमाप्ति परिपसर्ग कष्ट कर दिया समय विपर्य रहित और परि मतलब चारों तरफ जहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है एक शुद्ध आत्मा अथवा अपना इष्ट दिखाई दे रहा है। और सम्यक रूप से यहाँ पे नहीं, ये हो सकता है वो चंडाल है इसलिए वहाँ भगवान नहीं होगा, तो वो टट्टी है वहाँ भगवान नहीं होगा। पुष्ट व्याधि जिसको है वो भगवान हो सकता है, मतलब पुष्ट व्याधि भी भगवान का रूप है, ये समझने थोड़ा कठिन पड़ता है। परीक्षित मतलब परी मतलब संपूर्ण इच्छा परी और इच्छा और उसका निष्ठा इच्छित देख लिया चारों तरफ से अच्छी तरह से देख लिया उसे। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं तद एव प्रणवदारेण निरुपाधिकम आत्मानम अनुसंधान अनुसंधानस्य पुरुषार्थ परिसमाप्ति है ना। परी और सम दो उपसर्ग लगा हुआ है और आप लिंग धातु का निष्ठा रूप है, आपति तीन प्रत्यय है, आपति प्राप्ति तीन प्रत्यय है। तो सम परी और सम परिसमाप्ति, इसमें परिशब्द का अर्थ करते समता सामग्रण, सम्यक सम शब्द का अर्थ करते सम्यक मतलब संशय विपर्य रहित, आपति मतलब प्राप्ति, समाप्ति मतलब सम्यक रूपे न प्राप्ति समाप्ति आपति मतलब प्राप्ति प्राप्ति, इसलिए बोलते हैं परिसमाप्ति न इतरेशा। तो जो प्रणव अथवा ईश्वर को अवलंबन नहीं करके अपने जीवन की सफलता को ढूंढेगा उसका जीवन की सफलता होना संभव न इतरेशन कौन वही आनंद के लिए देखिए बोले बहिर्मुखाना जगत मुखी होगा और भगवत प्राप्ति का आनंद लेंगे दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जगत वहीमुखान जगत मुखी होगा और भगवत प्राप्ति के आनंद लेंगे आज तक किसी वेदांति ने किसी महापुरुष में नहीं कहा। राजा जनक बहिर्मुख थोड़ी थे, राजा थे तो क्या हुआ, राजा तो उसका मतलब ये भगवान भाष्यकार भी ऐसे पूछा कि प्यारे उपनिषदों में तो कहा गया सारा वो अपने पुत्रों के लिए गृहस्थ अब सन्यासी सन्यासी क्यों बनना करते हुए भाष्यकार को आक्षेप किया था तुम सन्यासी सन्यासी क्यों करते, बोलते आपको दिखाई दे रहा है उनका शरीर गृहस्थ आश्रम में मन गृहस्थ आश्रम में आप इतने समझ में ठीक है कोई बात नहीं। व्यवहारिक जगत में व्यवहारिक मर्यादा को रक्षा करने के लोग शिक्षा के लिए भी होता है ना, जब जरा चलत श्रेष्ठ तत्व भी चले जाना कोई मानुष किसको मतलब विदेह राज बोलते थे, इसलिए व्यक्ति हमारे सीता जी को वैदेही बोलते तदेव प्रणव द्वारा निरुपाधिक आत्मा अनुसंधान से पुरुषार्थ तो परिसमाप्ति है ना। न इतरे अन्य लोग को नहीं हो पाता है उन लोग का बहिर्मुखान जिसको विषय मुख है उन लोग इति स्थित ये यहाँ क्षेत्र इति श्रीमद इति श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य परमक्ष परिव्राज आचार्य शंकर भगवत कृतौ आगम शास्त्र विवरणे गौरपादीय कालिका सहित मांडलिक उपनिषद भाष्य प्रथम आगम प्रकरणम ठीक है ना। इति मतलब इस प्रकार से श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य से यहाँ तक षष्ठी व्यक्ति देखें ना कि मतलब गोविंद भगवत पूज्यपाद के शिष्यों के द्वारा लिखा हुआ कौन है परमहंस परिवार का आचार्य सुदर्शन परमहंस मतलब बिल्कुल संसार के निर्चित विवेक स्पष्ट है परमक्ष भी है परिपड़ी तो ब्रजति थी तो आपने छोटे जीवन में देखिए सारा भारत में पैदा तो कौन है शंकर भगवत ये भी षष्ठी षष्ठी भगवान शंकर जगह कृत किया गया आगम शास्त्र विवरण है ना। आगम शास्त्र का विवरण है ना ये आगम रूपी जो धर्म है हमने कथन कर उसके विवरण में गौरव इसका शब्द क्या है गौरवादी कालिका भी है गौरवादी कालिका सही था कालिका के ऊपर भी भाष्य लिखा तो बस मूल के ऊपर भाष्य को लग गया कालिका सही तो मांडूक उपनिषद भाष्य मांडूक उपनिषद के भाष्य में प्रथम आगम अच्छा फिर आनंदगिरी जी का ये माए बार बार नहीं पढ़ूंगा पहले इति श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य यहाँ पे जब विभक्ति नहीं लगा पूरा एक समझ तोड़ना पड़ेगा कोई भी परमक्ष है ये परिव्राजक है ये आचार्य है
और एक गुरु जी का नाम बोला शुद्धानंद ज्ञानंद गुरु जी का नाम शुद्धानंद पूज्य पाद शिष्य भगवत आनंद ज्ञान विरचित आया आनंद ज्ञान रचना किया गया है। मांडुको उपनिषद आविष्करण पर गौरपादी काली का भाष्य टीकाया प्रथम आगम प्रकरण कि मांडुको उपनिषद के अर्थ को खोलने के लिए जो भगवान भाष्यकार और गौरपादी की जो कालिका है उसका उपत्ति का भाष्य टीकाया भाष्य टीका ने यहाँ पे प्रथम आगम प्रकरण समाप्त हो बार बार यह आगति इस प्रकार से नीचे लिख रहे हैं इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री स्वामी गोविंदानंद गिरि महामंडलेश्वर पूज्यपाद शिष्य विद्यावाचस्पति शिक्षा में विष्णुदेवानंद गिरि महामंडलेश्वर विरचिताया गोविंद प्रसादिनी आख्यम टिप्पणी आगम टिप्पणी आगमनाम प्रथम इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजक आचार्य जो गमन है श्री स्वामी गोविंदानंद गिरि महामंडल उनका शिष्य चैतन्य गिरी है विष्णुदेवानंद गिरिया भी नहीं है गोविंदानंद चैतन्य अष्टम पीठाधीश्वर सप्तम पीठाधीश्वर उनका फोटो तो क्योंकि पहले जो है ना ये लोग फोटो उठा उठाने भी नहीं देते थे इतना व्यवस्था भी नहीं था आजकल तो मोबाइल मतलब भी हो गया जहाँ जाए तो ढाई पाए बाद में दिखे चाहे ना लेकिन पहले मोबाइल लेके खाना मनुष्य पूज्य पाद शिष्य ये इनका भी विशेष ये था क्योंकि व्याकरण में बहुत मान जो विद्या वाचस्पति को ये दोबारी मिला है विद्या वाचस्पति श्री स्वामी विष्णुदेवानंद गिरी महामनुष्य विष्णुदेवानंद गिरी इधर से दूसरा अपने गुरु जी के नाम से इसका टीका गोविंद प्रसाद ने टीका मतलब गुरु जी की कृपा से जो है हर जगह में तीनों जगह में जो भी बोल रहे हो गुरुदेव का नाम लेके गोविंद भगवान गोविंद अपना शुद्धानंद का नाम दिया हर आदमी अपना गुरु का नाम गुरु के साथ ही अपना नाम गुरु का साथ ही देता है पहले गुरु का नाम लेकर गुरु के पास से प्राप्त होता है क्या है गुरु जो भी कुछ हम बोल रहे हैं गुरु परंपरा से प्राप्त होता है अपने आप कुछ अपने गुरु की तरह कुछ है गुरु परंपरा से जब प्राप्त होगा इससे विद्या की मर्यादा पूरी करते हैं विद्या की मर्यादा पूरी करते हैं गोविंद प्रसाद के नाम टिप्पण्या आगम टिप्पणि में आगम नाम प्रथम आगम प्रदेश समाप्त आप क्या बोल रहे हैं कि ये जो चीज आपको यहाँ पे आगम के द्वारा कथन करके आया ये श्रुति वाक्य है सभी व्यक्ति को ये मान्यता नहीं हो सकती परंतु श्रुति से जानने के बाद यदि उसको हम अपनी युक्ति के द्वारा पुष्ट कर सकते हैं तब क्या होता है बिल्कुल बिल्कुल पक्का बन जाता है कि हम इसको मानेंगे क्यों इससे लाभ क्या होगा क्या ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं आपको हमने कहा कि आज मैंने देखा वहाँ पर कुछ हो रहा है आप हमारी बात के ऊपर विश्वास है परंतु कभी शंका भी हो सकता है क्या बोलूँ ऐसा तो होना संभव नहीं होता कैसे हो सकता है तो आप बोल ठीक है एक बार जाकर देख के आता तो गया गया आनंद मिल गया तो क्या हो जाएगा आपको इस व्यक्ति के वाक्य के ऊपर पूरा विश्वास मैं अब इसमें ये हो गया दृष्टांत को देखकर के हम समझें दृष्टांत में क्या होता है मैं अपने को अनादिकाल से जीव परिच्छिन्न मान रहा हूँ अनादिकाल से ही मान्यता मन में बैठा हूँ शास्त्र ईश्वर के पास गुरु के पास जन्मांतिम संस्कार से थोड़ा थोड़ा शास्त्र में पढ़ने का इच्छा और शास्त्र बिल्कुल कहते हैं नहीं नहीं तू तो असंग है पूर्ण है व्यापक है साक्षात शिव है ऐसा कहते शास्त्र और हमारे जन्मांतरिक संस्कार हमारी लोक शिक्षा वो हमारे विरोध करते हैं तब क्या करते हैं शास्त्र बोलते हैं आप लॉजिकली इसका एनालिस करो तब जो ये आप मन विरोध विरोधाभास जो दिखाई दे रहा है विरोधाभास वो मिट जाएगा इसीलिए आपको जो है वही तत्व जिस चीज को आगम वाक्य द्वारा श्रुति वाक्य द्वारा सिद्ध कर लाया उसी को युक्ति के द्वारा पुष्ट करने के लिए तथ्य भाव वही तथ्य तथा मतलब ऐसा थी इस बी तथा द थिंग इज नॉट लाइक दैट एज यू वर सेइंग दैट इज बी तथा और उसका भाव वही तथ्य बी तथा का जो भाव उसको वही तथ्य अथवा मतलब आप इसके बाद मतलब आगम के द्वारा जगत की मिथ्या को सिद्ध होकर के बाद आगम मीन्स
गौरपादीय कारिकाया गौरपादीय कारिक गौरपादीय कारिका में वैतत्थम आख्य है ना, मतलब वितथा की जो भाव है इस नाम से ये द्वितीय द्वितीय काय प्रकरण है, द्वितीय प्रकरण ये प्रकरण ग्रंथ है। ध्यान देखना ये आकार ग्रंथ नहीं है, मान लो करते वह ज्ञान को लेकर के विचार करते वह ज्ञान को लेकर के विचार। यहाँ पे देखिए बोले टीकाकार बोलते हैं वो आगम प्राधान्येन अद्वैतम प्रतिपादयता तत्प्रत्यनीकस्य द्वैतस्य मिथ्यत्वम् अर्थात् अंग्रेजी पहले क्या लिख रहे हैं आगम को प्राधान्यता देकर के आगम प्राधान्येन आगम आगम मतलब श्रुतिवाद श्रुतिवाद को भी प्राधान्यता देकर के अद्वैतम प्रतिपादयता अद्वैत की प्रतिपादन करने के द्वारा प्रतिपादय प्रतिपादयता उसके द्वारा प्रतिपादयत है ना उसका तृतीय द्वारा तत्प्रत्यनीकस्य द्वैतस्य अद्वैत का विरोधी कौन है द्वैत इसलिए बोलता है उसका जो विरोधी उसका विरोधी जो द्वैत प्रपंच है उसका मिथ्यात्व सिद्ध है अर्थात उपाधान अर्थ अर्थक मतलब क्या हो गया जैसे हमने कहा एक एक होता है श्रुतिवृत्ति से अर्थ एक होता है अर्थात लक्षणावृत्ति से अर्थ एक होता है आर्थिक अर्थ व्यंजनावृत्ति से अर्थ हाँ हाँ जाओ अच्छा रहो। अब ये जो बोल रहे हैं उनका जाने का बोलना इच्छा नहीं है मतलब तुम मत जाओ कहना चाहते हैं ऐसा श्लोक आता है इसको समझाने के लिए गच्छ गच्छसि गच्छ गच्छसि चेत कांत पंथानो अस्तु ते शिवा ममापि जन्म तत्र तो भूयात यत्र गतो भवति हे प्रिय तुम यहाँ से हमको छोड़ के जाना चाहते हो जाओ तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी तुम्हारा मार्ग शुभ अच्छा हो गच्छ गच्छसि चेत कांत तुम जाने की इच्छा करते हो तुम जाओ पंथानो अस्तु ते शिवा तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी अच्छा। अगला लाइन क्या बोलते हैं ममापि जन्म तत्र भूयात परंतु मेरा जन्म फिर वहीं पे हो जाए जब आप जाना जाना चाहते हो मतलब क्या है मरने की मेरा जन्म नहीं होगा मतलब आप जाओगे तो मैं मर जाऊंगा तब मर जाऊंगा जैसे भी कुछ होगा ये कहना चाहते हैं पर अब शब्द कैसे सुंदर प्रयोग किया ये बोलते आर्थिक अर्थ सीधा आपने मुख से तो नहीं कहा परंतु इतना कहा कि एक अधिष्ठान तत्व सत्य है इससे सिद्ध क्या कर दिया कि प्रतिदिन प्रतियोमान वस्तु में पारमार्थिकता नहीं ये आगम वाक्य से सिद्ध हो गया। अब इसको युक्ति के द्वारा रेनफोर्समेंट युक्ति के द्वारा उसको पक्का करने के लिए अगला प्रकरण आ रहा है आगम प्राधान्येन अद्वैतम प्रतिपादित आगम की प्राधान्यता को देकर के अद्वैत का प्रतिपादन के द्वारा तत्प्रत्यनिकस्य द्वैतस्य अद्वैत के विरोधी जो द्वैत प्रपंच है उसका क्या हो गया मिथ्यात्म अर्थात्म जगत प्रपंच मिथ्या है क्योंकि ये सत्य है उसका उसका पद दिखाई देना मिलता है ये जो आर्थिक अर्थ से सिद्ध होता है देखिए दो टिप्पणी दिखाई देती है आगम प्राधान्येन प्रधानतया आगम प्रधानतः आगम प्रमाण उपादाय इति लाभ ठीक है इतना छोटा छोटा लिखा टिप्पणी है कि प्रधानतया मुख्य रूप से आगम प्रमाणम आप श्रुति वाक्य को प्रमाण प्रमाण मान करके आगम प्रमाण आगम प्रमाण उपादाय मतलब ग्रहण करके इति जावत मतलब मुख्य रूप से श्रुति वाक्य को ग्रहण करके सिद्ध कर दिया अधिष्ठान रूपी ओंकार मतलब मात्रा रहित ओंकार पारमार्थिक है और मात्रा और पाद वाला ओंकार व्यवहारिक है इसके क्या सीखे उसमें पारमार्थिकता नहीं ये कहना चाहते अर्थ इसलिए बोलते हैं प्रधानतया आगम प्रमाण मुख्य रूप से आगमी श्रुति वाक्य को प्रमाण को ग्रहण करते हुए ये कहा गया आगम प्राधान्य अर्थात यह दो नंबर है अर्थात अद्वैत प्रतिपादन अन्यथा अनुपपत्ति अद्वैत सिद्ध ही नहीं होगा यदि द्वैत बना रहेगा अद्वैत प्रतिपादन अन्यथा अनुपपत्ति जगत मिथ्यात्म बिना अद्वैतम अनुपपत्तम क्या बोला था कि जो आत्म तरत शोकम आत्मविद शोकम मिथ्यत्व बिना आत्मज्ञान निवर्तकत्व अनुपन्नम शुद्ध अर्थापत्ति शोक मिथ्या हुए बिना ज्ञान निवर्तकत्व तो नहीं हो सकता इसी प्रकार द्वैत प्रपंच को मिथ्या सिद्ध किए बिना अद्वैत पारमार्थिक सिद्ध नहीं हो सकता अद्वैत पारमार्थिक सिद्ध नहीं हो सकता इसलिए बोल रहे हैं अद्वैत प्रतिपादन अद्वैत के प्रतिपादन अन्यथा अनुभवता अन्यथा अनुभव उसके किसी प्रकार से सिद्ध नहीं होगा यदि ये अधिष्ठान दृष्टि हमारे पास ना है मतलब द्वैत प्रपंच मिथ्यात्व सिद्ध ना इसलिए बोलते हैं मिथ्यात्म अर्थात
ठीक है, अपने श्रुति प्रमाण के आधार में द्वैत प्रमाण है मिथ्यात्व। आप क्या करना चाहते हैं बोलते हैं इदानीम तन मिथ्यात्व उपपत्ति प्राधान्येन प्रतिपत्तिं सुष्कम इति इदानीम। अब हम ये करना चाहते हैं तन मिथ्यात्व, ये जगत के मिथ्यात्व हमने अर्थात सिद्ध किया वो है उपपत्ति प्राधान्येन, युक्ति की प्रधानता देकर। अभी हमने श्रुति की प्राधान्यता की, अब युक्ति की प्राधान्यता वहाँ पर श्रुति वाक्य नहीं रहेगा ये बात नहीं है। यहाँ पे भी श्रुति अनुकूल तर्क हमने लाया, श्रुति अनुकूल तर्क अनुसंधि उपदेश पंच, और यहाँ पे क्या होगा युक्ति की प्राधान्यता होगी श्रुति वाक्य उसको थोड़ा थोड़ा। इदानीं तन मिथ्यात्वम् उपपत्ति प्राधान्येन अपि प्रतिपत्तिं सुषेकम्, लॉजिकली भी आप बहुत आसानी से जगत के मिथ्यात्व सिद्ध कर सकते हैं। इति दर्शयितुं, इसको दिखलाने के लिए प्रकरणांतरम अवतारे, दूसरे प्रकरण को अवतरित करते आदौ सबसे पहले दृष्टांत सिद्धियर्थम हम आपको, मैं कोई अलौकिक वस्तु को समझाना चाहता हूँ। किसी नया व्यक्ति को कोई जो आप उसके सामने नहीं है उसको समझाना चाहता है तो उसके सामने जो वस्तु है उस वस्तु को पहले दृष्टांत को पहले पक्का करके समझाने, देखो इस दृष्टांत में तुम्हें क्या क्या दिखाई देगा। तो जगत के मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए हम स्वप्नों को दृष्टांत मानते हैं। तो स्वप्नों को आप मिथ्या मानते हो कि नहीं मानते? हाँ मानते हैं, सभी बातें मानते हैं। तो ठीक है, स्वप्नों को क्यों मिथ्या मानते हैं उसके हेतु देखो। अब जब यहाँ पे पक्का हो जाएगा तब वो हेतु जब आपका जगत में बैठ जाएगा जगत में मिथ्या। इसीलिए आप बोलते हैं कि प्रकरण अंतरम अवतारण आदो पहले दृष्टांत सिद्धि अर्थम, पहले दृष्टांत को सिद्ध करके तस्मिन वृद्ध सम्मति में आदो, इस विषय में सम्मति है। सप्तम की मिथ्यात्व के विषय में किसी का कोई ऐसा ही दृष्टांत देना पड़ता है, मतलब आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूँ तो आपको पहले ऐसा ही दृष्टांत देना पड़ेगा जो आप समझते हो। उभयवादी सम्मत अनुमान में आपको उभयवादी सम्मत दृष्टांत देना पड़ता है, सब समझते तब जाकर का अनुमान सिद्ध हो, उनका अनुमान सिद्ध हो। अरे व्यक्ति आज भी पहल में आ जाना पड़ेगा, फर्स्ट श्लोक राज अंतिम अजम अपि योनियोगम प्राप्य ऐश्वर्य योगा अगति चरति मत्तां प्राप्य देकं हिरलेकं विविध विषय धर्मग्राही मुदेक्षणानां प्रणत भय विहंत्री ब्रह्मयत्तन्न तदोषी।